मुझे याद करा देते हैं, खुश करा देते हैं, मेरे पास आ जाते हैं। दे फ्लैश अपॉन माय या दैट इन वार्ड आए। फिर क्या बोल रहे हैं, व्हिच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि मेरे अकेलेपन का साथी बन जाता है, वही मेरे अकेलेपन का साथी है, मुझे अकेले महसूस ही नहीं कराता है। जब मैं डेफोडिल के बारे में सोचता हूँ या चिंता में रहता हूँ, डेफोडिल मेरे माइंड में आ जाता है, मेरे घर में सोल बना के रह जाता है, शरीर नहीं सोल बना के रह जाता है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। फिर क्या बोले, फिर एंड देन माय हार्ट विथ प्लेजर फील्स। फिर क्या हुआ, डेफोडिल्स के लिए मेरा जो हृदय है, दिल है, खुश से भर जाता है। माय हार्ट विथ प्लेजर फील्स एंड एंजॉय या डांस विद डेफोडिल्स। हम एंजॉय बोल रहे हैं, हमारे पोएट जो बोल रहे हैं एंड डांस विद डेफोडिल्स, उनको ऐसा लगता है कि वो डेफोडिल्स का नाच रहे हैं, डेफोडिल्स का खेल रहे हैं, डेफोडिल्स का सब कुछ कर रहे हैं, उनको कुछ भी चिंता नहीं है, मना हर बार आराम है। हाँ, तो कुछ कुछ स्टूडेंट के पास बुक्स नहीं होगा, इसलिए जो हम स्टेजा बोले वो स्टेजा को एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके समझेंगे। लिख लीजिए, हाँ, पोएम का नाम भी लिख लीजिए, डेफोडिल्स, DAFFODILS, है ना। तो हमारे जो लिख लीजिए पोएट का नाम है विलियम वर्थ, है ना। तो पोएट बोल रहे हैं फॉर, लेकिन मैं जैसे फॉर ऑफन बोल रहा हूं, यहां पे OFT लिखा होगा, कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, जिसके पास बुक नहीं है, मैं बोल रहा हूं फॉर ऑफन व्हेन ऑन माय कोच, हाँ, आई लाय इन वैकेंट और पेंसिव मूड, है ना। फॉर अपन व्हेन ऑन माय कोच आई लाय इन वैकेंट और पेंसिव मूड, जब मैं चिंता में रहता हूं तो डेफोडिल्स का वही दृश्य मेरे दिमाग में आ जाता है, दिमाग में घर कर देता है, तो जो भी मुझे दुख रहता है ये सुख बन जाता है, मुझे जो भी यानी कि स्थान जो है शांति में बदल जाता है, जिसमें चिंता में रहता हूँ ये खुशी बन जाता है। तो इस तरह से लिखेंगे, हाँ। तो फॉर अपॉन व्हेन ऑन माय कोच आई लाय इन वैकेंट और पेंसिव मूड, दे मतलब डेफोडिल्स, हाँ, दे फ्लैश अपॉन दे फ्लैश अपॉन दैट इनवार्ड आय। इनवार्ड हमारा जो इनर फीलिंग्स रहता है, हाँ, इनवार्ड है मतलब वही जो हम दिव्य जुख बोलते हैं, हमें तो ये नहीं है, हाँ, जहाँ पे आप अच्छे चीज दिखते हैं, जहाँ पे नेचुरली दिखा जाए, आर्टिफिशियल चीज नहीं, हाँ, बिल्कुल। स्नेह, दया, ममता, शांति, अशांति नहीं, शांति और मैंने रियलिटी दिखाई देता है, यहाँ पे इनवार्ड है। दे फ्लैश अपन मैंने क्या याद करा देते हैं, महसूस कराते हैं, रियलाइज कराते हैं, उन वर्ड में लिखे ना, दे फ्लैश अपन दैट इनवार्ड आए विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो जो है जो डेफोडिल्स का जो मैंने याद, वही याद मुझे अकेला करने नहीं देता, पूरा दोस्ती कर देता है, हाँ, मैं पूरा हर बार अकेला कभी फील ही नहीं कर रहा था, डेफोडिल्स का वही याद, मैं पूरा उसके साथ ही रह जाता हूँ, सब कुछ नाचना देखना खेलना मैंने सब कुछ मैं उसके साथ करता हूँ, एंजॉयमेंट भी कर सब कुछ, हाँ। मैंने जैसे हम स्टेजा पढ़े, आज हमारा फर्स्ट स्टेजा है, तीन स्टेजा में जो पढ़े पढ़े को मिला देंगे, हाँ। तो फॉर अपॉन व्हेन ऑन माय कोच
आई लाइन बैकन और पेंसिम बोर्ड दे फ्लैश अपॉन देर इनवाड आए दे फ्लैश अपॉन देर इनवाड आए फिर क्या बोल रहे हैं हाँ फिर बोले एंड देन दे है एंड देन माय हार्ट विथ प्लेजर फील ध्यान देना एंड देन माय हार्ट विथ प्लेजर फील्स है ना एंड देन माय हार्ट विथ प्लेजर फील्स एंड dance with the dance with the daffodils बस पहले आप श्रेया को लिख लीजिए क्योंकि जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए ये जरूरत है और मैं हर बात बोलता हूँ माने हर बात बोलता हूँ एक चीज माने आप बुक पढ़िए बट कभी भी बुक को आपको पढ़ने मत दीजिए हाँ माने जस्ट यू आर टू रीड दैट आउट बट नेवर लेट योर बुक रीड यू आउट हाँ कभी भी आपको पढ़ने मत दो माने आप डोमिनेंट ना हो जाओ बुक पर हाँ बुक में क्या लिखा है भी देखिए क्यों लिखा हुआ भी देखिए कैसे लिखा हुआ भी देखिए तो उसके बाद क्या होगा वी कैन क्रिएट आवर ओन तब भी जाके हम बना सकते हैं नहीं तो अगर हम किताबी कीड़ा बन गए तो प्रॉब्लम होगा हाँ देख लीजिए For upon when on my couch I lie in vacant or pensive mood, they flash upon their inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils. Clear? माने जब भी मैं दुखी रहता हूँ अशांति रहता हूँ तकलीफ लगता है मैंने कुछ सोचता रहता हूँ तब कारण daffodils का याद मुझे आ जाता है हाँ daffodils मुझे मैंने दुख में देख नहीं सकता ये बोल रहे हैं वो मैंने जब भी वो दुखी रहते हैं तो डेफोडिल्स का याद उनको आके खुश कर देता है तो जो उनके मैंने अकेलापन का साथी मैंने जैसे अकेला रहते हैं अकेला मैंने अकेला जब रहेंगे बहुत कुछ सो जाता है ना तो जब अकेला रहेंगे जो सो जाता है ये सोच निकल जाता है या डेफोडिल्स याद आ जाता है मैं जब इमेजिन करता हूँ डेफोडिल्स के बारे में तो मेरा सब दुख शांत अशांति सब चला जाता है शांति बन जाता है मेरा माहौल पूरा खुशहाली का माहौल हो जाता है फिर क्या बोले डेफोडिल्स मेरा विद द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड डेफोडिल्स मेरा अकेलापन का साथी है अकेलापन का आशीर्वाद है अकेलापन का आशीर्वाद माने अकेलापन एक अभिशाप है लेकिन वो आके वही अकेलापन को आशीर्वाद बना देता है हाँ ये लिखना है उसके बाद क्या बोलेंगे उसके बाद वो बोला है उसके बाद होता है माई हार्ट फील्स माने विद प्लेजर फील्स हमें लिखा है माई प्लेजर फील्स विद प्लेजर भी बोल सकते हैं लेकिन हमारे जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं कि एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स माने खुशी से हमारा दिल भर जाता है पूरा हर एंजॉयमेंट हाँ एक्साइटमेंट एंजॉयमेंट जॉयफुल ये हो जाता है लिखेंगे ना उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि डेफोडिल्स के साथ मैं नाच रहा हूँ और हम दोनों एक साथ नाच रहे हैं माने हम दुनिया का माने लाइफ का माने जो हमारे जिंदगी का मैन है जो सोल एम है उसका हम यानी कि बेस वही एंजॉय को फुलफिल कर रहे हैं दैट्स इट तो उसको हम एक एक करके लिखते हैं ना तो पहले क्या लिखे क्या नहीं पहले आप एक बार सोचना बिठाते हैं Whenever William Wordsworth feels sorry, regret, and thoughtful. है ना Whenever William Wordsworth feels sorry, regret and thoughtful. हाँ The memory of daffodils makes him feel
हैप्पी एंड एक्साइट रेदर देन बींग सैड ना। क्लियर? तो पूरा फोकस। हाँ, व्हेनेवर विलियम वर्ड्सवर्थ फील सॉरी, रिग्रेट एंड थॉटफुल, द मेमोरी ऑफ डैफोडिल्स मेक्स हिम फील हैप्पी एक्साइट एंड बी एंजॉय रेदर देन बींग सैड वंस। बींग सैड माने दुख होने की वजह से आप खुश हो जाइए, एंजॉय कीजिए, हाँ, एंजॉयमेंट ही लाइफ है, वो बोल रहे हैं। माने दो दिन का जिंदगी है, एंजॉय करके निकालिए। बिल्कुल। हाँ, दुख होने से भी हमको हम कुछ तो निकाल नहीं सकते, तो क्यों दुख है? व्हाई शुड यू फील सैड रेदर देन बींग एंजॉय। हाँ, तो व्हेनेवर विलियम वर्ड्सवर्थ फील सॉरी, रिग्रेट एंड थॉटफुल, द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स मेक्स हिम फील हैप्पी एंड एक्साइट रेदर देन बींग सैड। बींग सैड भी लिख सकते हैं। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं? जो कि मेरा अकेलापन का साथी है, ये बोले प्लस अपन। हाँ, वेट अगेन, वेट अगेन एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स अबाउट डैफोडिल्स, डैफोडिल्स बाय सेइंग दैट द प्रेजेंस ऑफ डैफोडिल्स मेक्स माय लाइफ। ठीक, अभी लिखिए अच्छे से। हाँ, व्हेनेवर विलियम वर्ड्सवर्थ, हाँ, जब मुझे यानी कि डैफोडिल्स का याद आता है, डैफोडिल्स का जो याद मेमोरी, ये मेरा अकेलापन का साथी बन जाता है। बिल्कुल, कंपेनियन ऑफ लोनलीनेस। हाँ, तो व्हेनेवर, बिल्कुल आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ब्लेसिंग ऑफ एलोनलीनेस भी बोल सकते हैं, लेकिन अकेलापन अभिशाप है, लेकिन हम अकेलापन का आशीर्वाद बोल के उनको बनाएंगे। पूरा क्लियर भी? तो व्हेनेवर विलियम वर्ड्सवर्थ फील सॉरी, रिग्रेट एंड थॉटफुल, द मेमोरी ऑफ डैफोडिल्स मेक्स हिम फील, जल्दी जल्दी, मेक्स हिम फील हैप्पी एंड एक्साइट रेदर देन बीइंग। हाँ, दे सुन को चाय लाने, सुन को चाय बार बार बोलते हैं, सुन लाते ही नहीं चाय। तो व्हेनेवर विलियम वर्ड्सवर्थ फील सॉरी, रिग्रेट एंड थॉटफुल, द मेमोरी ऑफ डैफोडिल्स मेक्स हिम फील हैप्पी एंड एक्साइट रदर देन बींग सैड, वेट अगेन एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स अबाउट डैफोडिल्स बाय सेइंग दैट द प्रेजेंस ऑफ डैफोडिल्स मेक्स माई लाइफ, भी बोल सकता है, मेक्स हिज लाइफ भी लिख सकता है। मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकता, इनडायरेक्ट भी कर सकता है, मेक्स माई लाइफ। क्लियर? ठीक है, कोई कोई नहीं लिखे भी होंगे, लिख दीजिए, लाइफ ऑफ मैक्स माय लाइफ द कंपेनियन ऑफ लॉनलीनेस एंड दैट इज द रियल blessing of the poet's loneliness life। ओके, देख लीजिए, फिर हम आगे जाएंगे। फिर उनका जो मेमोरी है, उनको क्या लगा? उनको लगा कि उनका हृदय दिल से जीत दिया, खुश हो गया दिल से। फिर उनको लगा कि उनके साथ नाच रहे हैं। हाँ, जल्दी जल्दी। बिल्कुल, द कंपेनियन ऑफ लॉनलीनेस एंड दैट इज द रियल ब्लेसिंग ऑफ द पोएट्स लॉनलीनेस लाइफ।
हाँ ये सुनू जाएगा, सुनू को बोलते नहीं थे आते नहीं है, हाँ बहुत व्यस्त रहते हैं सोनू, सोनू को बार बार बोलते नहीं आओ आते नहीं है। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ क्लियर तो वो तो कौन है बीबी है ना, हाँ बिल्कुल क्लियर। दो दी पोएट अगेन एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स अबाउट द डैफोडिल्स बाय सेइंग दैट द प्रेजेंस ऑफ डैफोडिल्स मेक्स माय लाइफ द कंपेनियन ऑफ लोनलीनेस एंड दैट इज द रियल ब्लेसिंग ऑफ द पोएट्स लोनलीनेस लाइफ। अब हम आगे चले जाते हैं, आगे हम चले जाएंगे तो जिनका मेमोरी है मेरा माने जिंदगी का एक उस बन गया, माने जिंदगी का सबसे मैन एम बन गया, उससे बन गया, उसको हम जरा ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में। हाँ बोलने के तो अलग होता है, बहुत सारा वर्ड निकलता है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। हाँ अस्ट्राजा को समझिए ना, क्योंकि ये एग्जाम में जब आएगा यानी कि आपको खुद का वर्ड यूज करके लिखना होगा। जैसे माय इमेजिनेशन, माय इमेजिनेशन अबाउट ऑन डेफोडिल्स भी लिख सकते हैं, माय इमेजिनेशन अबाउट डेफोडिल्स हैज बिकम ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ माय जॉयफुल लाइफ। हाँ लाइफ को अच्छे से देखिए, जॉयफुल लाइफ, माय इमेजिनेशन अबाउट डैफोडिल्स हैज मेड माय जॉयफुल लाइफ या सिग्निफिकेंट लाइफ और मैं जॉयफुल, पर कितना सुंदर जी से वर्ड पसंद है। तो माय इमेजिनेशन अबाउट डैफोडिल्स बिकम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ माय जॉयफुल लाइफ, एक्साइटेड लाइफ, प्लीजिंग लाइफ, कितना वर्ड हो सकता है। हाँ जितना इजी होगा इतना करना। और क्या बोले, द डिवाइन साइट ऑफ द डैफोडिल्स realizes me as if that fills my heart with satisfaction and pleasure, with satisfaction and pleasure, and it also helps me feel as if I were dancing with them। देख लीजिए आप अच्छे से। हाँ टाइम हो गया 18। हाँ थोड़ा साझा टाइम नहीं लगा। तो माई इमेजिनेशन अबाउट डैफोडिल्स हैज बिकम ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ माई जॉयफुल लाइफ, एक्साइटमेंट लाइफ, हैप्पीएस्ट लाइफ, कितने बार लिख सकते हैं। द डिवाइन साइड ऑफ द डैफोडिल्स रियलाइजेस एज इफ माई हार्ट प्लेजर विद जॉय सैटिस्फैक्शन अफेक्शन, हाँ प्लेजर, बहुत सारा वर्ड यूज कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स मी फील, हेल्प्स मी टू फील भी बोल सकते हैं, हेल्प्स मी फील भी बोल सकते हैं। हेल्प्स यहाँ पे एक पैर इन्फिनिटिव वर्ड है, यहाँ पे इन्फिनिटिव हो सकता है, बैर इन्फिनिटिव हो सकता है। तो यहाँ पे हेल्प के साथ टू प्लस भार वन यूज कर सकते हैं, ओनली भार वन भी यूज कर सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना। तो हेल्प्स मी फील एज इफ आई वर डांसिंग विद देम। तो माने जो जो पढ़ाया गया आप अच्छे से जरा देख लीजिए, हाँ फिर उसके बाद हम फिर अलग स्टेजा तो नहीं, हमारा डैफोडिल्स खत्म हो गया, उसके बाद हम जरा फिगर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से डैफोडिल्स का। टुडे बोले थे भी, मैं भी बोल रहा था तीन डैफोडिल्स का खत्म करके हम सैम ऑफ लाइफ, बैलेड ऑफ फादर की लीगा और डैफोडिल्स का
फिर आप तो डिस्कस करेंगे। तो एक बार ठीक है लिख लीजिए, डाउट होगा तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो सत्र खत्म करेंगे। माई इमेजिनेशन अबाउट डेयरफुल हिल्स हैज बिकम ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ माई जॉयफुल लाइफ। द डिवाइन साइड ऑफ द डेयरफुल हिल्स रियलाइजेस मी एज इट दैट फील्स माई हार्ट विद सैटिस्फैक्शन एंड प्लेजर एंड ऑल्सो हेल्प्स मी फील एज इफ आई वर डांसिंग विद देम। ओके देन, जो जो पढ़ा जा रहा है, पहले भी जो पढ़े थे और पहले भी जो पढ़े थे, आप ऐसे से पढ़िए, नहीं पढ़ने से मालूम नहीं होगा हम समझे या नहीं समझे, इसलिए वी हैव टू गो थ्रू प्रॉपरली सो दैट वी मे नो वेदर वी आर गेटिंग अर नॉट। इफ यू डिडंट गेट आई मीन एनी पॉइंट जस्ट कीप आस्किंग मी सो दैट वी विल हैव अ डाउट क्लियरिंग क्लास अबाउट दैट। तो आप मुझे बोलते रहिएगा, नहीं बोलने से जान नहीं पाऊंगा, हैं, अनलेस यू डू लेट मी नो सो दैट विदाउट व्हिच इट इज सिंपली इम्पॉसिबल फॉर माई सेल्फ एंड एनीबडी साइड टू नो व्हाट द एग्जैक्टली प्रॉब्लम इज। इसलिए कीप इन टच। बट ये तो आप बोलेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, जो भी पढ़ा जा रहा है ना उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, नहीं पढ़ने से मालूम नहीं होगा। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।